जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर। जब भी हम किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जरूर सामने आ जाते हैं जिनके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं होती है, या तो हमारी जानकारी अधूरी होती है। और अक्सर जो बिगनर्स हैं किसी विषय में, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा आती है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में कुछ ऐसी डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज रिकमेंड करने की कोशिश करूँगा जिनमें से कम कोई एक किताब आपके पास पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय होनी चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम का जहाँ तक सवाल है, उसमें है ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत ही स्टैंडर्ड मानक किताब है, कोई शक नहीं है इस विषय में। और दूसरी है दी ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हिंदी मीडियम के लर्नर्स का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें पहली जो डिक्शनरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान शब्दकोश, और इसको लिखा है प्रोफेसर एसएन सिंह सर ने। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में प्रोफेसर एंड हेड थे कुछ दिन पहले तक, एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है आप राजनीति विज्ञान में। और ये किताब छपी है राज पब्लिकेशन से। जो अगली किताब है वो है ओपी गावा की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विश्वकोश। ओपी गावा के विषय में कुछ भी कहने का आवश्यकता है नहीं, एक बहुत ही मानक हस्ताक्षर हैं आप राजनीति विज्ञान में, और लगभग राजनीति विज्ञान जितने भी लोग पढ़ते हैं भारतवर्ष में वो सब उनके नाम से वाकिफ रहते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो सर की किताब है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी उसमें दिए गए हैं उनको काफ़ी डिटेल में, एटलीस्ट एक पेज में कम से कम एक कंसेप्ट को दिया गया है। आप इसकी मदद ले सकते हैं, बहुत सारे साथियों के पास ये होता है। और तीसरी किताब है सुभाष कश्यप ने जिसको लिखा है राजनीति कोश। तो ये जो किताब है ये छपी है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली से। और ये मानिएगा कि आप सुभाष कश्यप के विषय में जानते होंगे, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के बहुत ही गंभीर जानकार हैं। तो इसमें थोड़ी सी जो हिंदी माध्यम के साथी हैं, चूँकि हिंदी में ही प्रकाशित हुई है तो भाषा को लेकर थोड़ी क्लिष्टता जरूर है, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ लिखी गई है। तो इनमें से कोई एक डिक्शनरी कम से कम आपके पास होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की, ताकि जब भी आपको लगे कि किसी विषय के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में, किसी टर्म के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप खोल करके उसको देख सकें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।